हालेलुया। आज पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। देश देश के लोग, देश देश के लोग प्रभु के पास आ चुके हैं। हर रोज लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं, परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम क्यों प्रचार करने के लिए लगे हुए हैं? क्योंकि यीशु आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु पूरे संसार का न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर एक बार फिर से लौट रहा है। इसीलिए आज जाति जाति में, आज देश देश में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, क्योंकि वो अपने वायदे के अनुसार लौट रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हम उसका सम्मान करें। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम सब उसकी टहनियां हैं। जितने लोग प्रभु के नजदीक आ चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु की संतान बन चुके हैं, आपको याद रखना है आप एक टहनी बन चुके हैं उसकी दाखलता की। हालेलुया। आपके ऊपर मोहर लग चुकी है परमेश्वर की, और जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की मोहर लग चुकी है, आप जानते हैं बहुत सारे, जब हम सड़क पे चलते हैं तो बहुत सारे पेड़ों के ऊपर एक चिन्ह लगा होता, हाँ, एक प्लेट लगी होती है, उससे उस पेड़ को कोई काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सरकारी पेड़ है। उस पर चिन्ह लगा होता है, उसका मतलब क्या होता है कि ये गिनती में है ये पेड़, और इसको कोई काट नहीं, उसको काटना एक क्राइम है। समझ आ रही है आपको? तो जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु की, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उस दिन आपके ऊपर एक चिन्ह लगा दिया जाता है। और शैतान को परमिशन नहीं है, आपके चारों तरफ एक घेरा लगा दिया जाता है, और शैतान को परमिशन नहीं है कि वो उसको काटे, उसको छुए। हालेलुया। आप चिन्हित किए हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर के द्वारा आपके ऊपर एक छाप लगी हुई है, और शैतान को परमिशन नहीं है कि वो आपको छुए, आपको काटे, आपकी ओर बढ़े। हालेलुया। अब वो आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा छाप किए गए हैं। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के द्वारा एक चिन्ह लगाए हुए व्यक्ति हैं। प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा का चिन्ह आपके ऊपर है, अब आप एक ज्योति हैं। हालेलुया। और शैतान को की परमिशन खत्म हो जाती है, वो आपको छू नहीं सकता। फिर आप परमेश्वर के ठहराए हुए बाड़े के अंदर होते हैं, और जानते हैं उसका बाड़ा क्या है? परमेश्वर का वचन। आज हमें प्रभु के वचन के अंदर रहने की जरूरत है, उसके बाड़े में रहने की जरूरत है। हालेलुया।